हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी फ्रेंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज जो है डिस्कस करने वाली है CSIR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। रिंग थियोरी से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, बिल्कुल आसान सा है, करते हैं। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। बोलता है लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स बी आर रिंग ऑफ मोनिक पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तब जो है आपको बताने हैं कि इन चारों स्टेटमेंट में से आपके टू स्टेटमेंट कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट के अंदर बोलता है कि इफ एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, इफ एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड। तीसरे ऑप्शन के अंदर कहता है इफ एफ एक्स हैज रियल रूट्स देन इट इज रिड्यूसिबल ओवर जेड। फोर्थ ऑप्शन के अंदर कहता है इफ एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड देन एफ एक्स हैज रियल रूट्स। पहले के अंदर क्या बोला गया है कि कोई भी आपको जो है क्या गिवन है, मोनिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, उसके जो कोफिशियंट्स लेने हैं आपको कहाँ से लेने हैं, सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं। मोनिक का मीन्स आपको ऐसी पॉलिनोमियल लेनी है जिसके जो हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट है वो मस्ट बी वन होना चाहिए। मीन्स आपको जो पॉलिनोमियल लेनी है वो किस टाइप से लेनी है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका जो है पॉलिनोमियल हो चुका, ये आपका क्या हो चुका, मोनिक पॉलिनोमियल एक लिख दिया गया है। मोनिक पॉलिनोमियल हो गया, इसके जो कोफिशियंट है वन है, एक्स है और वन है, वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू वन। मीन्स जो वन 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 जो कोफिशियंट है इस पॉलिनोमियल के वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। मीन्स ये ठीक लिखा हुआ है। क्या बोलता है एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। और हमारे रिजल्ट भी है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल मिलती है जो आपकी क्या है इरिड्यूसिबल अगर ओवर जेड है तो वो हमारी इरिड्यूसिबल ओवर क्यू भी होगी और उसका रिवर्स भी हमारा ट्रू है। मीन्स कोई पॉलिनोमियल अगर इरिड्यूसिबल ओवर जेड है तो वो क्यू भी है, अगर जो है इरिड्यूसिबल ओवर क्यू गिवन है तो वो हमारा इरिड्यूसिबल ओवर जेड भी होगा। ये हमारा रिजल्ट है और इसी रिजल्ट के ऊपर पहला और दूसरा आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इफ एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, यस। यहाँ से देखिए ये आपका जो है क्या है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। मीन्स वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस एंड सो वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस वन, यहाँ पे पी इक्वल्स टू क्या है थ्री माइनस वन मीन्स टू। ठीक है, ये हमारी क्या लिखी हुई है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है और साइक्लोटोमिक जो पॉलिनोमियल होती है वो हमारी क्या होती है इरिड्यूसिबल ओवर जेड भी होती है और वो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इरिड्यूसिबल ओवर जेड है। मीन्स इस पॉलिनोमियल से, इस एग्जाम्पल से जो है, हम एग्जाम्पल की सहायता से भी अगर इलिमिनेट करना चाहे तो जो है ये हमारी क्या है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है और साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है मीन्स ये क्या है इरिड्यूसिबल है। क्या है ये इरिड्यूसिबल है, किसके ऊपर ओवर जेड। अगर ये इरिड्यूसिबल ओवर जेड है तो ये कहाँ पे भी इरिड्यूसिबल हो जाएगी, ये हमारी इरिड्यूसिबल ओवर क्यू पे भी हो जाएगी। मीन्स यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और सिमिलरली जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसका रिवर्स लिखा हुआ है। मीन्स और ये जो रिजल्ट है वो इफ एंड ओनली इफ का है, मीन्स ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशियंट लेने हैं आपको सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं। ठीक है, तीसरे के अंदर कहता है इफ एफ एक्स हैज रियल रूट्स देन इट इज रिड्यूसिबल ओवर जेड। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर पॉलिनोमियल के पास रियल रूट्स हैं तो वो जो हमारी पॉलिनोमियल है वो क्या है रिड्यूसिबल है ओवर सेट ऑफ इंटीजर के। देखिए करते हैं इसको भी। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एफ एक्स हैज रियल रूट्स देन इट इज रिड्यूसिबल ओवर जेड।
क्या पूछा गया है कि एफ एक्स के पास जो है क्या है रियल रूट्स हैं, तब जो है क्या वो रिड्यूसिबल होगी ओवर जेड के ऊपर। रिड्यूसिबल मीन्स जो है अगर हम ये ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2-3, इसके पास जो रूट्स हैं वो कितने हैं रियल हैं, और क्या ये रिड्यूसिबल है ओवर जेड। ये जो है हमारी 1 × पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम 2 पॉलिनोमियल के रूप में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे मीन्स इसको हम एफ एक्स जो है इसको जी एक्स इंटू एच एक्स के पॉलिनोमियल में नहीं लिख पा रहे हैं, और इसके जो जी एक्स है और एच एक्स का जो रूट होना चाहिए वो हमारा अगर जेड से बिलोंग करेगा तब तो ये रिड्यूसिबल होगा, अदरवाइज ये रिड्यूसिबल नहीं हो पाएगा। अब इस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2-3, इसका जो है रूट अगर हम कैलकुलेट करें, इसका जब हम रूट कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू +√3। इसके रूट जो है क्या रियल है, यस इसके जो रूट है वो क्या है रियल है। क्या ये जो पॉलिनोमियल है हमारी वो रिड्यूसिबल है, जी नहीं, ये जो पॉलिनोमियल है हमारी कैसी है, ये पॉलिनोमियल हमारी क्या है इरिड्यूसिबल है, इसके ऊपर ओवर जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल ओवर जेड है। तो यहाँ से बाय दिस एग्जांपल जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पे बात करते हैं, फोर्थ के अंदर क्या बोला गया, इफ एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड, क्या बोला गया है कि अगर हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है रिड्यूसिबल है ओवर जेड, देन एफ एक्स हैज रियल रूट्स। तो जो पॉलिनोमियल होगी मीन्स कोई जो पॉलिनोमियल है वो क्या है रिड्यूसिबल है ओवर किसके ऊपर जेड के ऊपर, तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब उसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे रियल आएंगे, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, देखिए करते हैं इसको भी। हमारा जो है विद्या है एग्जाम्पल जो है पहला दूसरा 2 हो चुका है, तीसरा रॉन्ग हो चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, देखिए क्या बोला गया है फोर्थ के अंदर। फोर्थ के अंदर अगर हम एग्जाम्पल ले मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 ले लें, मान लीजिए यहाँ से जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक लिखा हुआ है एक्स 1 इसका रूट है, ये क्या हो जाएगी 2 पॉलिनोमियल के रूप में रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस भी हो गई है। अब यहाँ पे जो है इसके जो रूट होंगे ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये जो है आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं, हाँ करते हैं मीन्स इसको 2 पॉलिनोमियल के रूप में ब्रेक किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है मीन्स इसको 2 के रूप में लिख दिया, ये क्या हो चुकी है हमारी रिड्यूसिबल हो चुकी है, रिड्यूसिबल हो चुकी है। तो यहाँ से इसके रूट निकालिए, इसके जो रूट होंगे वो क्या मिलेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये कहता है कि एफ एक्स हैज रियल रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे रूट इसके सारे के सारे रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। यहाँ पे एस एक की बात नहीं की है इन्होंने, इन्होंने सारे के सारे रूट्स की बात की है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सारे के सारे रियल रूट्स होंगे, जी नहीं यहाँ पे एक ही तो रियल रूट्स है बाकी 2 क्या है कॉम्प्लेक्स रूट है। और यहाँ पे जो है हम एक ऐसा भी एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पे सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। इसलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है, ओनली हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।